नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन गुरुजी के एक और एक्साइटिंग से और धमाकेदार एंड फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान शब्द को लेकर कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो इसी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है, ये कौन सी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले यार, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था, लेकिन मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू कर दिया गया। आप देखो नीचे साइकोलॉजी, जो इंग्लिश शब्द आपके सामने दिया गया है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। वो दो शब्द कौन से है? एक तो है साइकी और एक है लोगस। इन दोनों शब्दों से मिलकर ही साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये शब्द किस भाषा के? लैटिन व यूनानी भाषा के। आगे के लिए देख सकते हो आप इसमें, जिसमें साइकी जो शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मा का। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का। इसके अलावा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो नामक वैज्ञानिक, अरस्तु और डेकार्ट, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान, इसका साइकी का अर्थ आत्मा का और लोगस का अध्ययन करना या विज्ञान। तो इसी के आधार पर प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट तीनों, और इनके अलावा और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। दोस्तों, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या किसी वैज्ञानिक ने नहीं की या वो कर पाने में असमर्थ रहे। इसी वजह से 16वीं शताब्दी के अंत तक इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या होता है? इटली के मनोविज्ञानिक आते हैं, पोम्पोनोजी। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। पोम्पोनोजी ने भी खूब प्रयास किया इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान का, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। और इसके बावजूद 18वीं शताब्दी आती है, लेकिन उसकी डिटेल्स आगे बताऊंगा। उससे पहले लेते हैं 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता है? दोस्तों, 18वीं शताब्दी में परिभाषा नहीं दी गई थी, तो फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। इसमें विलियम वुंट नामक वैज्ञानिक प्लस विलियम जेम्स, एम वाइव्स और जेम्स अली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान दोस्तों? चेतना का विज्ञान। किस किस मनोविज्ञान के द्वारा माना गया? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइस और जेम्स अली, वो भी 19वीं शताब्दी में माना गया था। लेकिन चेतना शब्द की अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य घोषित हो गई। दोस्तों, चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई, इसका अपूर्ण अर्थ था, इसी वजह से इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। इसका भी एक रीजन था, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा को अमान्य घोषित क्यों किया गया था? तो इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा नोट है, एक इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग, एक स्थान का नाम था लिपजिंग नामक स्थान पर, 1879 में साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसके द्वारा और कब साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई? विलियम वुंट के द्वारा और 1879 के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक का माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट, क्योंकि इसी ने जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 में साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसके अलावा इसी समय में, किस समय में? 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग हो गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने नजर आया। आगे के लिए देखो तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लगभग आपको नहीं मिलेगा। लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस विद्यालय के नाम से जाना जाता है?
कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अब वो कारण बताता हूँ कि चेतना का विज्ञान था उस परिभाषा को अमान्य क्यों किया गया। तो विलियम मैकडूगल नामक एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द था ना, उसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे बुरा बताया। तो दोस्तों चेतना शब्द की कड़ी निंदा होने के कारण ही चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बावजूद आती है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। अब बात आती है कि व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने माना। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन का नाम सबसे पहले आएगा जिसने व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को माना है। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक थे लेकिन वाटसन सबसे पहले है और सब बाद में क्वेश्चन आए तो आपको करना है ओनली फॉर वाटसन। इसके अलावा और वैज्ञानिक थे वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था, व्यवहार का विज्ञान, और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है और आगे भी चलती रहेगी जब तक इसका खंडन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ। वाटसन ने इसी के आधार पर एक परिभाषा दी थी। वाटसन के अनुसार आप परिभाषा देख सकते हो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। वाटसन बोलते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मंदबुद्धि, क्षीण बुद्धि, प्रतिभाशाली, कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं खुद बनाना चाहता हूँ। यानी कि चोर, IAS, RS, कुछ भी, मतलब दार्शनिक वगैरह, जो भी मैं चाहूँगा वो उसे बना सकता हूँ। ऐसी परिभाषा किसने कही थी, वाटसन ने। इसके अलावा वुडवर्थ ने एक इम्पोर्टेंट परिभाषा दी थी। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। वो कैसे किया, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया था, ठीक है, मनोविज्ञान को, तो वो भी परिभाषा मान्य होगी, यानी कि मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग कर दिया। इसके अलावा फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, ये कैसे, पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना था, लेकिन उसका भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया। इस तरह मन का भी क्या हो गया, त्याग हो गया। फिर किसका, फिर चेतना का त्याग किया, वो कैसे, चेतना का विज्ञान माना था 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स वाइव्स आदि ने, तो चेतना शब्द का पूर्ण अर्थ होने का नहीं है, इसकी कड़ी निंदा की थी मैकडूगल ने अपनी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 पर। तो उस कड़ी निंदा के बावजूद इसे भी अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि इसका भी त्याग किया। और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को मानता है, और आज जो प्रेजेंट वर्तमान में मनोविज्ञान किसकी विधि को स्वीकार कर रहा है, व्यवहार की विधि को, यानी कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इस परिभाषा को मनोविज्ञान ने स्वीकार कर लिया, तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा बन जाती है। इसके अलावा क्रो एंड करो ने एक परिभाषा दी थी कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है, बच्चे की शताब्दी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक है वो किस किस के जनक, वो भी डिटेल से इसमें देख लीजिएगा। इसमें से एक दो प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हो मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक आपको पता है अरस्तु है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। दोस्तों थोड़ा सा ही अंतर है, मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। इसके ऊपर आप थोड़ा गौर करिएगा। इसके आगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, यानी प्रयोग करके जो मनोविज्ञान है उसके जनक है विलियम मुंट ने, वो आपको पता है जर्मनी के लिप्चिंग नामक स्थान पर 1879 में किया था प्रयोग, और स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान को सामने लाए थे। तो ये थे विलियम वुंट, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, जिसका विवरण मैं पहले बता चुका हूँ। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वो है विलियम वुंट, यानी कि प्रयोगात्मक और आधुनिक कोई भी आए घुमा फिरा के क्वेश्चन उसमें आंसर आने वाला है सिर्फ विलियम वुंट। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, नाम से पता चलता है दोस्तों। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे नामक मनोविज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्टेनली हॉल। इसके अलावा व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ऑलपर्ट। व्यवहारवाद के जनक वाटसन, व्यवहार का विज्ञान माना था इन्होंने, तो बेसिकली सीधा आंसर आ जाएगा वाटसन। आगे आप देख सकते हो
मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियाँ बहुत सारी होती है, 14 होती है लगभग, तो इसके डिटेल्स आगे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसमें करने वाले हैं इसमें चर्चा। तो फिलहाल यही जान लेते हैं मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, मैकडूगल, और मौलिक व्यवहारवादी माना है स्किनर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आगे के लिए कुछ परिभाषाएँ एक दो इम्पोर्टेंट जो मैंने कहीं से ढूंढ के लिखी है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है। इसके अलावा मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है, जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है, वाटसन ने। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान तो जेम्स ड्रेवर ने, और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन ने। तो थोड़ा सा अंतर दोस्तों इसमें घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा गौर करिएगा। बाकी इसके अलावा इतना कुछ खास नहीं है। अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ और अच्छे से टॉपिक को लेकर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए यार अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोको दबा के और शेयर ज़रूर कर देना। अगले बार फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।